हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 16-17 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया रिजेक्ट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कॉल इट्स अ फ्लॉड मेजर। स्टूडेंट्स, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया मानस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। स्टूडेंट्स, अभी एक रिसेंटली इंडेक्स रिलीज हुआ था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। स्टूडेंट, इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही है वो 111 पोजीशन रही है। स्टूडेंट, इस रैंक को इंडिया ने मारने से बिल्कुल मना कर दिया है। ओके स्टूडेंट, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट द 111 पोजीशन आउट ऑफ 125 कंट्रीज। स्टूडेंट, इसमें 125 कंट्रीज इस इंडेक्स में हैं, जिसमें से इंडिया की पोजीशन 111 रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके स्टूडेंट, इंडिया इवन ब्लो इट्स नेबरिंग कंट्रीज। स्टूडेंट, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है उसमें भी इंडिया की काफ़ी ब्लो रेशो रहा है। जैसे पाकिस्तान की रैंक रही है 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 एंड श्रीलंका की 60 रही है, जिसमें इंडिया काफ़ी नीचे रहा है 111 पोजीशन पे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड एंड वेल्ड हंगर हाईलिफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज़ किया। जो कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड है ये आयरलैंड की है, और वेल्ड हंगर हाईलिफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये जर्मनी का है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट 2023 में इंडिया की पोजीशन 111 है, और 2022 में 107 थी इंडिया की पोजीशन, काफ़ी नीचे गिरावट हुई है इसमें। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट जो ये इंडेक्स है चार पैरामीटर्स पे रिलीज होता है, मॉर्टलिटी रेट, एनेमिया, अंडर न्यूरिशमेंट एंड चाइल्ड वेस्टिंग रेट पे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट जो हमारा चाइल्ड वेस्टिंग रेट है ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट स्कोर देखते हैं, इसमें 28.7% का स्कोर हुआ है जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें। स्टूडेंट्स, इसमें जो इंडिया हैज़ अ सीरियस लेवल ऑफ सीरियस इंजरी हंगर, सीरियस हंगर में इंडिया का काफ़ी सीरियस लेवल रहा है 28.7% का। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू सेकंड करंट अफेयर, तमिल राइटर शिवा शंकरी वॉज प्रेजेंटेड विद द सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हर बुक ऑफ मेमोरीज सूर्य वंशम। स्टूडेंट, जो तमिल राइटर है शिवा शंकरी, उन्हें उनकी बुक के लिए मेमोरीज सूर्य वंशम बुक के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट ये 32nd सरस्वती सम्मान दिया गया है। ओके स्टूडेंट, 37th एडिशन था मतलब इस सम्मान समारोह का। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट जी ये शिवा शंकरी जी को अवार्ड मिला है, ये सम्मान मिला सरस्वती सम्मान, ये 1991 से दिया जाता है, और कौन इन्हें देता है? के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को सम्मान को देता है, जिसमें 15 लाख का कैश प्राइज होता है सम्मान में। ओके स्टूडेंट, गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन 2022 लैंग्वेज इन लास्ट 10 ईयर्स। स्टूडेंट, लास्ट 10 ईयर्स से ये सम्मान दिया जाता है 22 लैंग्वेजेस में, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क किया उसके लिए सम्मान दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड, पंकज बोरा हैज एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट फॉर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC। स्टूडेंट, जो पंकज बोरा है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में IACC में। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ये। स्टूडेंट, जो ये IACC है ये 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी। स्टूडेंट, ये एंगेज इन प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। स्टूडेंट, इंडिया एंड यूएसए के बीच में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को ये प्रमोट करता है IACC। ओके स्टूडेंट, जो पंकज बोरा है वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अहमदाबाद से। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट पेज करंट अफेयर, नाउ कम टू सेकंड पेज, नाउ कम टू फोर्थ करंट अफेयर, फोर्बेस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023। स्टूडेंट, फोर्बेस एक वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट है, उसे रिलीज किया गया है। स्टूडेंट, इस लिस्ट में जो भी 700 कंपनीज है वर्ल्ड में, उनके जो बेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें वो रिलीज किया गया। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इंडिया की NTPC शाइंस, ये एक सिंगल कंपनी है इंडिया में जिसे इस लिस्ट में रिलीज किया गया है, एज द ओनली इंडियन PSU टू फीचर इन फोर्बेस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें जो ये लिस्ट है इसमें 700 कंपनीज है, इसमें इंडिया की रैंक रही है 261 रही है 700 कंपनीज में। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट टॉप पर कौन रहे? सैमसंग जो लास्ट ईयर भी टॉप पर थी, सेकेंड पे माइक्रोसॉफ्ट, और थर्ड पे गूगल के अल्फाबेट कंपनी रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ, सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ 118 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इन अरुणाचल प्रदेश
अंडर द सेतु बंधन स्कीम। स्टूडेंट, सेतु बंधन स्कीम के अंडर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दिया 7 ब्रिज प्रोजेक्ट को, जिसका बजट 118.50 करोड़ रुपीज़ है। अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है। और क्वेश्चन, स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? दिस प्रोजेक्ट विल एनहांस कनेक्टिविटी एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। स्टूडेंट, सभी सेक्टर्स में कनेक्टिविटी को एनहेंस करना, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस करना इस प्रोजेक्ट का एम है। स्टूडेंट, इस प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट तो नेशनल हाईवे 313 पर होंगे। इसमें से 7 ब्रिजेज में से 3 ब्रिजेज तो नेशनल हाईवे 313 पर होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है 7 ब्रिज प्रोजेक्ट पर, जिसका बजट 118.50 करोड़ रुपीज़ होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ गोइंग टू 6th। ओजोन होल अबाउ एंटार्क्टिका इज नाउ 3 times द साइज ऑफ ब्राज़ील। स्टूडेंट, जो एंटार्क्टिका के ऊपर हमारा ओजोन होल है वो 3 times बिगर हो चुका है साइज ऑफ ब्राज़ील के। स्टूडेंट, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक नेचुरल फिनोमेना है, मतलब जो हमारा ओजोन होल होता है ये कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब साइज कभी डिक्रीज हो जाता है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना कहना है कुछ साइंटिस्ट, बल्कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है बट साइंटिस्ट आर कंसर्न क्लाइमेट चेंज वुड बिगिन री ओपनिंग ओजोन होल। बल्कि कुछ साइंटिस्ट इसके लिए वो काफ़ी मतलब टेंस्ड हैं कि ये दोबारा से रीओपन होने जा रहा है जो हमारा ओजोन होल है। और क्वेश्चन, सेटेलाइट मेजरमेंट हैव डिटेक्टेड अ जायंट होल इन द ओजोन लेयर। स्टूडेंट, सेटेलाइट ने इस ओजोन जायंट होल को डिटेक्ट किया है। और क्वेश्चन, इसका साइज क्या है? द साइज ऑफ ओजोन डिप्लेटेड एरिया वॉज 26 million स्क्वायर किलोमीटर्स का साइज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 7th करंट अफेयर। सरियत मतकाल एक इसराइल ऑपरेशन है। स्टूडेंट, जो ये एक सरियत मतकाल है कि इसराइल ऑपरेशन है, इसमें इसराइल सीक्रेट ब्लैक ऑफ यूनिट डिप्लॉयड इन गाजा स्ट्रिप। स्टूडेंट, इसमें जो इसराइल की सीक्रेट ब्लैक यूनिट है जिसे डिप्लॉयड किया गया है गाजा स्ट्रिप में। स्टूडेंट्स, इस जो ये हमारे सरियत मतकाले से एक और नाम जानते हैं, जनरल स्टाफ रिकॉन्सेंस यूनिट 2023। स्टूडेंट्स, जो सरियत मतकाले से इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। स्टूडेंट्स, ये जब भी टेररिज्म के लिए कभी भी मतलब इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ब्लैक यूनिट को बनाया गया है सरियत मतकाल का। ओके स्टूडेंट, एक सीक्रेट ब्लैक ऑफ यूनिट है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इसका मोटो क्या है? इसका हु डेयर्स विन इसका मोटो है। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे 2nd पेज करंट अफेयर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।